जय माता दी। दोस्तों, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए साल का पहला दिन है और हम लोग माता की पूजा के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ आज की पूजा का कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें। आज सोमवार है इसलिए हम पहले शंकर भगवान की पूजा करेंगे। भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उनके बाद उनका अभिषेक करेंगे, उन्हें टीका लगा रहे हैं, उनके त्रिशूल को भी टीका लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। भोलेनाथ सबके दुख दूर करते हैं। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। आज इतना पूजा हुआ है कि शंकर भगवान जी पूरा ही ढक गए हैं, पूरा फूल बेलपत्र से ढके हुए हैं, इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे। अब हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ की पूजा के लिए बेलपत्र बहुत ही ज़रूरत होता है। बिना बेलपत्र के शंकर भगवान की पूजा ही नहीं होती। भोलेनाथ बेलपत्र से ही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये पीला फूल है जो भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए बहुत ढूंढने के बाद ही दो पुष्प मिल पाया है जो हम भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। माता का भी मंदिर है, आइए आप लोग माता का भी दर्शन कर लीजिए। ये माता मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही मानी जाती हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद आरती कर रहे हैं अभी हम लोग सब। आप लोगों को भी इस आरती को देखने का मौका मिल रहा है। आप लोग भी अपने अपने घर में माता रानी को याद कीजिए। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। सालों भर आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। चलते हैं, एक बार और हैप्पी न्यू ईयर।